बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से हों, खुदा हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन। आज मैं स्क्यूअर्स के साथ एक और वैरायटी बना रही हूँ, टर्की स्टाइल चिकन कबाब। देखते हैं बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैं ये वाले स्क्यूअर्स जो हैं वो यूज़ करूँगी, धोने वाले हैं। इनको मैं साफ़ करके अच्छे से रखूँगी फिर यूज़ करूँगी। आपके पास ये नहीं है तो आप रेगुलर जो स्टिक्स होती हैं, स्किवर्स जो होते हैं वुडन, वो ले लीजिए। पानी में उनको 4-5 घंटे एटलीस्ट भिगो के ज़रूर रखिएगा। देखते हैं बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा। यहाँ पे मेरे पास 1.1 kg चिकन ब्रेस्ट है। आप थाई का मीट यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैंने इसको धो के 1-1 इंच की क्यूब्स में काट लिया है। कुछ पीसेस बड़े भी हैं इसमें। 1 टेबल स्पून थोड़ा मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन मैंने डाल दिया है इसके अंदर पहले से। बाकी की जो चीज़ें चाहेंगी, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून पीसी हुई काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून रेगुलर पेपरिका, 1 टीस्पून स्मोक्ड पेपरिका, 1/2 टीस्पून कायन पेपर है, ये आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर सुरख पीसी हुई जो मिर्च होती है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर टमाटो पेस्ट जाएगी। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, मैंने ब्लेंड करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इनको ब्लेंड कर लीजिएगा। हमें या तो ऐसे ही प्याज इसके अंदर डालने हैं या फिर इसका पानी निकाल के डालेंगे। मैं इसको ऐसे डाल रही हूँ। आपको इस तरह से प्याज इसके अंदर अच्छे नहीं लगते हैं, कभी आपने बनाए हो तो फिर आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उसका पल्प बचेगा उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। 1/2 कप दही जाएगा, 1/4 कप इसके अंदर ऑलिव ऑयल जाएगा। यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च थी, वो थोड़ी मोटी थी। 1 टेबल स्पून जीरा था, मैंने दोनों को मिला के कुटा हुआ है। ये इसके अंदर जाएंगे। ताज़ा कूटते हैं तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। सारी चीज़ें मिक्स करके मैं इनको रखूँगी ओवरनाइट। शाम में मैं इनको मैरिनेट कर रही हूँ। कल मैं सुबह में दोपहर में इनको बनाऊँगी। बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे। तब तक यहाँ पे आपको सब्जियाँ नज़र आ रही होंगी। सब्ज मिर्चें हैं, सुरख मिर्च है, एक प्याज हैं, टमाटर हैं। प्याज मैंने छीले नहीं क्योंकि मैंने कल इनको बनाना है, तो मैंने कहा वेजीज भी साथ ही आपको दिखा दूँ। इनको भी हम साथ ही ग्रिल के ऊपर रोस्ट करेंगे। आप इनको बारबेक्यू कर लीजिए, इंडोर ग्रिल पे बना लीजिए, ग्रिडल पे बना लें, ओवन में बना लें, जैसे आपने करना है कर लीजिए। बारबेक्यू का आपने देना है तो फिर इसको कोयले का धुआं दे सकते हैं। तो आइए चीज़ों को मिक्स करते हैं, मैरिनेट करते हैं चिकन को और रखते हैं। इनको बनाना बहुत आसान है। चीज़ें सारी अंदर डाल के मैरिनेट करके रखते हैं और अगले दिन इनको बना लें। जीरा और कुटी हुई सुरख मिर्च अंदर चली जाएगी। मिर्चें और नमक आप अपनी मर्जी से कम या इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। पेस्ट भी चली जाएगी। दही जाएगा इसके अंदर 1/2 कप। ऑलिव ऑयल चला जाएगा 1/4 कप। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। बारबेक्यू का अगर आपने इफेक्ट देना है तो इसको मैरिनेट करने के बाद, बनाने से पहले इसको आप धुआं दे सकते हैं, कोयले का बनाने के बाद दे सकते हैं, आपके ऊपर है जैसे आप करना चाहते हैं इसको। फूड कलर इसके अंदर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इस हक में नहीं हूँ कि फूड कलर डाल के बनाया जाए। बहुत मजबूरी होती है किसी चीज़ में तो मैं डालती हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं अच्छा लगता। इसको अब मैं कवर करके तो रात भर के लिए रखूँगी फ्रिज के अंदर। चिकन पूरी रात के लिए फ्रिज में था मैरिनेट होने के लिए। मैंने इसको निकाल के रखा हुआ था 2 घंटे से बाहर। इसको अब लगाते हैं स्क्यूअर्स के ऊपर।
चिकन को मैंने 2 घंटे से निकाल के फ्रिज से रखा हुआ, तो पूरी रात ये फ्रिज में रहा है, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। मिक्स किया है इसको अब मैंने, आपने इसको जैसे भी बनाना है, ओवन में, ग्रिल के ऊपर, बारबेक्यू करना है, जैसे बनाना है वैसे बना लें। मैं इंडोर ग्रिल के ऊपर इसको बनाने लगी हूँ। सब्जियाँ यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं, इनको या तो मैं ग्रिल कर लूँगी या फिर काट के सारी इनको मैं ओवन में बेक कर लूँगी। देखते हैं जैसे सहूलत होती है वैसे कर लूँगी। अगर आपके पास ये वाले स्किवर्स नहीं है तो वुडन स्किवर्स ले लीजिएगा, उनको पानी के अंदर एटलीस्ट 5 to 6 hours ज़रूर जो है वो सोक करके रखिएगा। वेजीज भी ये वाली आप इसी तरह से स्क्यूअर्स के ऊपर लगा के करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। जितने भी आपके स्क्यूअर्स जो हैं वो इस तरह से होते हैं बना के, तो इनको ग्रिल करते हैं। ग्रिल को मैंने ऑन किया हुआ है, इसी तरह से सारे में ये लगा लूँ ऊपर, ग्रिल करने लगती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ग्रिल जो है वो गर्म हो चुकी है, यहाँ पे देखिए मैंने रेडी कर ली हैं स्क्यूअर्स जो हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर और उसके बाद मैं रखूँगी ऊपर। मुझे इंडोर ग्रिल में इनको ग्रिल करना जो है वो बहुत आसान रहता है, बाहर अभी मौसम ठंडा है। चिकन हो रहा है तो साथ ही मैं जो जगह बची हुई है इस पे प्याज रखती हूँ। सब्ज़ मिर्चें चली जाएंगी, टमाटर भी दरमियान से काट के मैं रखूंगी, प्याज हो जाते हैं इनको निकाल रही हूँ, तो फिर साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी रख दूंगी। इनको अब मैं फ्लिप करने लगती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। इसके नीचे जो इस वक्त हीट है वो है 400 फ़ारेनहाइट के ऊपर है ये। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको गर्म करने के लिए फुल हीट पे किया हुआ था और अब मैं इसको ले जाऊँगी 350 फ़ारेनहाइट के ऊपर, उस पर इनको बनने दूँगी। बन जाते हैं तो फिर मैं फ्लिप करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। एक साइड से ये हो गए, इनको अब मैं लगी हूँ फ्लिप करने। साथ साथ दूसरी सब्जियों की भी जगह बनती जा रही है तो मैं वो भी रखती जा रही हूँ। अब ये बन जाते हैं, सब्जियाँ जो हैं वो रोस्ट हो जाती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इनको मैंने चारों साइडों से घुमा के बनाना है, सब कुछ बनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, स्किवर्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, वेजीज हो रही हैं, ऊपर टमाटर हो गए थे वो मैंने निकाल ली। अब मैंने आपको कल बैंगन नहीं दिखाए थे लेकिन वो मेरे पास 2 घर में पड़े हुए थे, उनको भी मैं साथ ही कर रही हूँ, हो जाती हैं सारी तो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि हमारे स्किवर्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मज़ेदार टर्कश स्टाइल चिकन स्किवर्स कबाब रेडी हैं,
इन्हें आप दही की चटनी, इमली की चटनी, केचप के साथ सर्व करें, साथ नान आप दे सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।